सो दिस इज माई सेटअप जहां पर मैं अपनी सारी वीडियोज और फ्रीलेंस की सारी वीडियोज एडिट करता हूँ। और ये एक प्रीटी गुड स्पेक्स वाला सेटअप है जिस पर तुम 1080p वीडियोज आराम से हैंडल कर सकते हो। तो ये हमारा स्टूडियो सेटअप जिसे हम यूज करते हैं 4K वीडियोस के लिए, जैसे कि लक्ष्य के मेन चैनल की वीडियोस जो कि 4K में होती है, और ये 4K प्रोजेक्ट्स को अच्छे से संभाल लेता है। बट कुछ टाइम से हमें इसमें भी 4K वीडियोस एडिट करने में दिक्कत हो रही है। शायद इसको बहुत टाइम हो गया है, या फिर कोई कॉम्पोनेंट्स पुराने हो गए हैं, या फिर ये कोई विंडो की दिक्कत भी हो सकती है, पता नहीं। तो हमने इसमें अपग्रेड करवाया CPU कूलर की, शायद CPU ज्यादा हीट हो रहा हो उसकी वजह से लैग कर रहा हो, लेकिन नहीं, तब भी काम नहीं बना। तो फिर हमने यूज करना शुरू करा प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज यूज करने से वीडियो का रेजोल्यूशन तो ठीक हो गया था, बट सॉफ्टवेयर में हमें तब भी लैग देखने को मिल रहा था, कट लगाते हुए या फिर छोटे मोटे टास्क करते हुए भी। तो शायद ये फिर विंडोज ड्राइवर्स की कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, बट हमने वो भी किया और तब भी कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड फाइनली वी बॉट दिस, द अल्टीमेट सॉल्यूशन। हाँ, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये सही में सॉल्यूशन है भी या नहीं, या बस लोग इसकी ऐसी तारीफ करते हैं। लेट्स सी। अब ये कोई अनबॉक्सिंग या फिर डिटेल्स स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो नहीं होने वाली है। मैं खुद 10 साल से विंडोज यूजर हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा विंडोज से मैक पे शिफ्ट होने का तुम्हारे साथ, और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेंगे। सो दिस इज द मैकबुक प्रो M1 मैक्स फुली स्पेक्ड आउट। तो हमें ये इतने का पड़ा है, और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कस्टमाइज करवाना हो तो तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना तो है ही, बट उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा डिलीवरीज के लिए। तो हमारा मॉडल है ये मैकबुक प्रो 16 इंच M1 मैक्स 10 कोर CPU, और यहाँ पर हमने कस्टमाइज करवाया है 64GB रैम में। सिर्फ इसी की वजह से ये 2 महीने ले लेता है। पता नहीं क्यों एप्पल में ये है कि तुम्हें हर मॉडल का बेस वेरियंट मिल जाएगा उनके स्टोर्स पर, बट अगर तुम्हें कुछ भी कस्टमाइज करवाना है तो वो तुम्हें उनकी साइट से करना पड़ेगा, और वो लेगा बहुत सारा डिलीवरी टाइम, और हमने भी इसके लिए 2 महीने दिए हैं। अब वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि तुम्हें इसमें डेट का पता ही नहीं होता। हमने 19 जेन को बुक किया था और उसके बाद 1 महीने का डिलीवरी टाइम था, यानी कि 19 फेब, बट हमें ये मिला 19 मार्च को, और 19 मार्च की सुबह तक भी हमें ये नहीं पता था कि हमें ये शाम में मिलने वाला है। यहाँ तक कि स्टोर पे काम करने वाले एम्प्लॉइज तक को कोई कन्फर्म डेट नहीं पता थी, तो ये कितना भी टाइम ले सकता है। तो पिछले 10 सालों में मैंने यूज करा है सिर्फ विंडोज, 2012-13 से लेके जब मैं यूज करता था विंडोज 7, उसके बाद विंडोज 8, 8.1, 10 और अब 11, बट macOS ना, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता है इस चीज को सेटअप कैसे करना है। बट गुड थिंग इज मैं iOS यूज कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और थोड़ा बहुत सिमिलर ही सेटअप होना चाहिए इसका, देख लेते हैं। तो सेटअप बहुत ही सिंपल था, जो तुम्हारी एप्पल आईडी है वो इसमें लॉगिन कर दो, और लॉगिन होने के बाद तुम्हारे यहाँ पर फोटोज, वीडियोस, बुकमार्क, ब्राउजर, नोट्स, ऐप, सब जो भी यहाँ पर होगा वो यहाँ आ जाएगा। मतलब मेरे फोन में अराउंड 6300 फोटोज हैं, और वो यहाँ पर अराउंड 20 मिनट के अंदर अंदर सारे यहाँ से यहाँ। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंट, यहाँ पर तुम्हें बिल्ड क्वालिटी से लेकर कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट, स्क्रीन और साउंड हर चीज प्रीमियम मिलेगी, और इतना पे किया है तो मिलनी भी चाहिए, और ये सब चीजें तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ा देती है। जैसे कि ये देखो, लिड ओपन और स्क्रीन ऑन, मतलब अब यू आर रेडी टू वर्क। विंडोज लैपटॉप की तरह नहीं, लिड ओपन करो फिर ब्लैक स्क्रीन आएगी, फिर तुम्हारा लोगो आएगा, और हाँ, तो बस लिड ओपन करो और काम चालू। सो दिस इज डे 1, और अभी तक तो मैंने इसे सेटअप किया है और इसमें बाकी एप्लीकेशंस क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करी है, और बहुत ही वियर्ड कि इसमें तुम्हें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए एक फोल्डर में ड्रैग करनी होती है चीज़ें, मतलब क्यों, टैब भी तो करके इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे विंडोज में करते हैं, बट कोई नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर तुम्हें कंट्रोल और ऑल्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, कमांड का ऑप्शन क्या है ये, मुझे नहीं लगता मैं इसे यूज़ भी कर पाऊँगा। तो अभी तो मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ, इसके लिए मुझे ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। Day 2, और internet.com पर बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कि कंट्रोल कमांड है और ऑल्ट ऑप्शन है, तो अब मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा, और मेरी उंगलियों को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि वो कहाँ जाएं। मेरी उंगलियों को बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि पहले कंट्रोल मैं इधर से इस वाली फिंगर से दबाता था, और अब कमांड मुझे यहाँ से दबाना पड़ रहा है। नहीं समझेंगे भाई लोग, छोड़ो
कीज उल्टी सीधी हो गई है, ये मतलब है मेरा। तो आज मैंने अपने पीसी से सारा डाटा इसमें कॉपी कर लिया है और आज मुझे इसमें एक वीडियो एडिट करनी है। अभी मैं प्रीमियर पे ही करूंगा क्योंकि अभी मुझे उसी की आदत है। एक बार कीबोर्ड ही समझ आ जाए फिर हम जाएंगे फाइनल कट पे, जब मैं इसे पूरी तरह से सीख जाऊंगा तो फाइनल कट भी ट्राई कर लेंगे। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बताओ ना कि फाइनल कट प्रो अच्छा है या प्रीमियर प्रो। तो प्रीमियर प्रो इंस्टॉल तो कर लिया इसमें, अब पहली बार ओपन करके देखते हैं कि क्या नतीजे निकल के आते हैं। हिंदी व्याकरण सीख क्या भाई, तो पहली बार इसे ओपन करके देखते हैं। एंड ये क्लिक एकदम ही खुल गया भाई, इंस्टेंटली खुल गया। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि जैसे मैं किसी ऐप को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर दिया, बट अब मुझे यहाँ जाके उसे डबल क्लिक करके क्विट भी करना है, नहीं तो वो ओपन ही रहेगी। ये डॉट दिख रहा है छोटा सा, यानी कि ये ओपन है। अब इसे मैं क्विट करूँगा तब जाके ये बंद होगा। तो इट इज़ डे 3 ऑफ यूजिंग मैकबुक प्रो और मैंने कल इसमें पूरे दिन अपना एक मेन चैनल का प्रोजेक्ट करा है प्रीमियर प्रो में, और मेरा अब तक का इसमें एक्सपीरियंस है एकदम बटरी स्मूथ, अमूल बटर, देश का छोड़ो। तो ये 4K के प्रोजेक्ट है और इसकी टाइमलाइन पे स्क्रोलिंग देखना तुम। मक्खन ना हुई। एडिटिंग करते टाइम भी नो फैन नॉइस, नो हीटिंग, बट रेंडरिंग के टाइम पे थोड़ी तुम्हें हीट फील हो सकती है। इसकी एयर वेंट्स यहाँ पर दिख जाएगी तुम्हें, एक यहाँ है और पीछे की तरफ भी है। और ये 4K टाइमलाइन वाली वीडियो को रेंडर करके देख लेते हैं कितना टाइम लेता है ये। कंट्रोल M, फॉर्मेट H.264, हाई क्वालिटी 4K, और अब इसको रेंडर करते हैं। एंड अब ये हो रहा है रेंडर, अराउंड 54% हो चुका है एंड यहाँ पर दिखा रहा है 1:53। एंड ये वीडियो हो गई है रेंडर, अराउंड 5 मिनट लिया इस वीडियो ने रेंडर होने के लिए। बट इतनी फास्ट परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर कुछ दिक्कत भी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कट कैसे करूँ भाई किसी फाइल्स को, मतलब मैं कहीं भी किसी भी फाइल्स पर डबल क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आता है, नहीं कट कैसे करूं मैं। एक तो मुझे अब तक इसका कीबोर्ड समझ नहीं आया, शॉर्टकट तो मैं बाद में याद करूंगा। अगर किसी को कट का शॉर्टकट याद है तो सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना हमारे कमेंट सेक्शन में और वहां पर पेस्ट करना कट का शॉर्टकट, क्योंकि भाई मैं फाइल सिर्फ कॉपी कर रहा हूं यहां पे। और हाँ, इंटरनेट की खोज के बाद मुझे एक ऐप मिली जो कि है ड्रॉप जोन। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को यहाँ ड्रॉप जोन में डाल दो और फिर तुम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाओ और उसे वहाँ से ड्रैग करके डाल सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल कट पेस्ट की तरह है, बट काम इजी कर दिया इसने मेरा। लेकिन अभी भी कमेंट सेक्शन में बताओ कट का शॉर्टकट मुझे। बट इसके साथ साथ अगर तुम यूज़ कर रहे हो आईफोन तो वर्क फ्लो बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी फाइल, लेट्स से ये वाली वीडियो ही मुझे शेयर करनी है, तो मैं यहाँ पर सीधा एयर ड्रॉप कर सकता हूँ मैकबुक पर और ये सर्कल सा बनाया और ये चली गई फाइल्स और यहाँ पर आ गई। तो अब मैं इसे सीधा फ़ोन से यहाँ ले सकता हूँ और फिर इसे टाइमलाइन पे डाल सकता हूँ। मतलब ट्रांसफ़र तो तुम यहाँ भी कर सकते हो विंडोज़ में, बट इजी कर दिया इन्होंने कि वन क्लिक से तुम यहाँ से यहाँ कर दो फाइल्स, वो भी कुछ ही सेकंड्स। इसी तरह से तुम्हें कोई लिंक खोलना है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर मैं दबाऊंगा शेयर कॉपी लिंक और यहाँ पर जाकर सिर्फ कमांड और वी दबा दूंगा और वो लिंक यहाँ पर आ जाएगा। कॉपी यहाँ, पेस्ट यहाँ, स्टीवन स्ट्रेंज। और इससे पहले हम वॉइस ओवर करते थे आईफोन में, बट हम अब इसी से वॉइस ओवर करने लगे हैं और ये जो अब तुम ऑडियो सुन रहे हो ये इसी में रिकॉर्ड हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसकी वॉइस ऐप में जाता है जो तुम्हारे आईफोन से भी सिंक हो जाता है। तो ये फाइल यहाँ भी सब कुछ यहाँ 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 हर जगह। सो दिस इज डे 5 और अब तक मैं इसमें 5-6 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। तो अब मुझे इस कीबोर्ड की इतनी आदत पड़ गई है कि अगर मैं विंडोज कीबोर्ड पे वापस जाता हूँ तो अब कंट्रोल की जगह ऑल्ट ही दब रहा है, उंगलियों का खेल बिगड़ चुका है बिल्कुल। और हाँ, मैं यूज टू हो चुका हूँ तो इसके बाकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसका ट्रैक पैड इतना स्मूथ है, एक बार तुम इसके जेस्चर सीख गए तो ट्रैक पैड ही यूज करोगे। तो मैं वैसे हर लैपटॉप के साथ अपना माउस यूज करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ी हुई है, लेकिन मैंने इसके साथ भी माउस यूज करा और ट्रैक पैड ज्यादा ईजी है इसमें चलाना, क्योंकि एक तो तुम्हें बहुत बड़ा ट्रैक पैड मिल जाता है तो तुम कहीं से भी कुछ भी इजिली ड्रैग कर सकते हो। विंडोज लैपटॉप की तरह छोटा ट्रैक पैड नहीं है ये। उसके बाद इसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है,
इसकी कि मैं एडिट करते हुए इसे 5-6 घंटा आराम से चला सकता हूँ, वो भी बिना चार्जिंग के। और अगर मैं एडिट नहीं कर रहा तो इसे पूरा दिन भी चला सकता हूँ मैं, उसके भी बाद इसमें बैटरी बच जाएगी। और हाँ, बैटरी टेस्ट करने के लिए हम एक वीडियो इसमें एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं कि कितनी बैटरी यूज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक ब्लॉग चैनल की वीडियो, तो इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो ये है 12 मिनट की 1080p वीडियो और बैटरी है इस टाइम 100% पे एक्सपोर्ट। तो ये अराउंड ले रही है हमारा, 14% हो चुकी है, 4 मिनट और दिखा रहा है और बैटरी अभी भी 100% पर ही है और कोई चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ है। तो वीडियो हो गई है 76% और बैटरी हो चुकी है 98%। तो वीडियो होने ही वाली है एक्सपोर्ट और हो गई वीडियो एक्सपोर्ट और बैटरी अभी भी 98% ही है। और हाँ, इसका चार्जर इसमें तुम्हें मैगसेव वाला मिल जाता है। मैगसेव इनके पुराने वाले लैपटॉप्स में आता था एप्पल के। उसका ये फायदा है कि वो मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है। बीच में अपने लैपटॉप में इन्होंने देना बंद कर दिया था, बट अब अच्छा है कि इन्होंने दिया है। और ऊपर से इसमें अब की बार पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि HDMI पोर्ट, यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट है और एक SD कार्ड है कि कैमरा से सीधा निकालो और यहाँ लगा लो। और यहाँ पर ये मैगसेव है, 2 टाइप सी और एक हेडफोन जैक भी है। पुराने वाली मैकबुक में सिर्फ तुम्हें टाइप सी के पोर्ट यहाँ और यहाँ मिलते थे और उसमें ही तुम्हें सब कुछ लगाना था। बट अच्छी बात ये है कि जो चीज यूज की है अब की बार इन्होंने वो दी है इसमें। उसके बाद इसकी डिस्प्ले बहुत ही शाइनी है, कोई मैट कोटिंग नहीं है। बट अच्छी बात ये है कि इसका रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा है और कलर भी बहुत वाइब्रेंट है, तो तुम्हें देख के ये लगेगा कि क्या ही डिस्प्ले है। बट ये थोड़ी शाइनी है, इस पे फिंगरप्रिंट जल्दी आ जाता है, तो इसे क्लीन करके रखना पड़ता है। और ऊपर से ये है 120Hz, तो तुम्हें हर चीज स्मूथ चलती हुई दिखेगी इसमें। बट जो दिक्कत देने वाली चीज है वो है ये नॉच, मतलब इतनी बड़ी नॉच है। ये आईफोन में समझ सकते हैं कि उसमें तुम्हें बहुत सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कैमरा और एक LED है। तो इतनी बड़ी नॉच में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेबकैम है। और तुम बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी क्वालिटी है, मुझे तो ठीक ठाक लग रही है बस। आखिरी चीज है इसके स्पीकर्स और कीबोर्ड। स्पीकर्स बहुत ही लाउड है, तुम खुद सुन के देख लो। तो ये इसकी फुल वॉल्यूम है, तो हाँ स्पीकर्स अच्छे खासे हैं कि इतने से लैपटॉप में तुम्हें बेस इतनी अच्छी फील होती है और हर चीज़ क्लियर है। उसके बाद ये कीबोर्ड, अब इस कीबोर्ड की इतनी आदत हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि मैं इस पर फास्ट टाइप कर रहा हूँ, लेकिन नहीं फास्ट टाइप नहीं कर रहा, स्पीड उतनी है मेरी, क्योंकि इसका की ट्रैवल बहुत कम है, उस वजह से लग रहा होगा, बस और कुछ नहीं है। और हाँ, लास्ट चीज़, इसका फिंगरप्रिंट बहुत ही तेज़ है, तो वो भी एक अच्छी बात है। This is day 7 and man, this thing is fast. Copy pasting clips से लेकर program open होने तक, importing file, video editing, exporting, हर जगह this is fast as fuck boy. अब example के लिए मैं तुम्हें इसमें एक Photoshop का project दिखा देता हूँ कि कितना जल्दी इसमें काम हो सकता है। तो यहाँ पर हम Photoshop में एक photo import कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं select subject और वो एकदम हो जाता है। And उसके बाद कुछ डालेंगे text, camera raw filter में जाके कुछ changes कर देंगे और done, thumbnail तैयार। और मैं यही file एकदम से transfer कर सकता हूँ अपने या किसी भी और फोन में, तो परफॉर्मेंस में तो ये सबसे ऊपर है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो देखो ये है एक्सपेंसिव और PC तुम सस्ते में भी बनवा सकते हो और वहां पर तुम्हें अपग्रेड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर तुमने 16GB वाला वर्जन ले लिया तो तुम उसे अपग्रेड नहीं कर सकते। बट अगर तुम्हारे पास है अंधा पैसा और ये चीज़ तुम्हारे काम आने वाली है, मतलब कि तुम मेरी तरह पूरे दिन इसी पर काम करते हो, तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो हाँ, ये है सही में पावरफुल और प्रोडक्टिव। और अगर तुम्हें गेम्स नहीं खेलने हैं तो हाँ, तुम इसकी तरफ सही में जा सकते हो। वैसे मैंने लास्ट गेम कौन सा खेला था।